भैया भैया, ये शुभम और आलोक, ये दोनों है ना, मैंने इनको दोनों को मेस में बात करते हुए सुना था, ये दोनों के दोनों महेश्वरी जाने वाले, लिख के लेना मुझसे। पता है, हर साल होता है, मुझे भी पता है कि तू नहीं जा रहा जबकि तुझे जाना चाहिए। हर साल तेरे जैसा भी एक तो होता है यहाँ। यार भैया, मेरी रैगिंग लेना बंद करो यार, मैंने सच में ऐसे एग्जाम दिया था वर्तिका, बताता हूँ, पर मुझे नहीं जाना है। अच्छा किया ना, देखें अब सेलेक्ट हुआ है तो जा। देख, फिजिक्स तो कर ही लेता है, केमिस्ट्री और मैथ्स में प्रॉब्लम है। अब इनऑर्गेनिक छोड़ रहा है तो ऑर्गेनिक और फिजिकल तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी ना, जो वहाँ की अच्छी है। भैया लेकिन अभी मैं सेट हूँ यहाँ और सब सही हो रहा है, अब क्यों छोड़ के जाऊँगा? नहीं जाएगा तो ग्रो कैसे करेगा बता? वो बोलते हैं ना, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन योर क्लास, यू आर इन द रॉन्ग क्लास। यहाँ किससे कम्पीट करेगा? तेरा सारा कॉम्पिटिशन तो चला जाएगा, ये तेरे बैची शुभम आलोक सब जाएंगे। तो यहाँ के A1 में कंफर्टेबल होने से अच्छा है वहाँ के A3 में स्ट्रगल कर, A1 तक पहुँच। पर भैया आप तो यहाँ हो ना। अरे यार, एक तो एक साथ कितने लोगों के प्यार में पड़ेगा, समझ ही नहीं रहा है। ग्रो करना है तो मूव ऑन करते रहना पड़ेगा। और ऐसा, ये तो हर वीक आता तो हूँ अनअकैडमी प्लस पे, वहाँ लाइव लेक्चर्स देखना, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, इसमें इतना क्या बुरा फील करना है हमें। अच्छा, आपका कोई स्टूडेंट आपको छोड़ के किसी और इंस्टीट्यूट में जाएगा तो आपको बुरा फील नहीं होगा? अगर नहीं जाएगा और फिर सेलेक्ट नहीं होगा तो ज़्यादा बुरा फील होगा। कुछ कमियाँ तेरी हमने ठीक कर दी, कुछ वो ठीक करेंगे। सही है। नहीं, आप तो कह रहे थे कि तू अकेला नहीं है, डरना मत, IIT क्रैक करेंगे, साथ में मिलके एंड मोमेंट तक फाइट मारेंगे। तो मार तो रहा हूं भाई फाइट, तेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कहां से होगा ये तो कभी इंपॉर्टेंट नहीं था।